हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KDP डिजिटल क्लासेस। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, हमने देखा था सेंटेंस क्या होते हैं और टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस क्या है और टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आता है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेज की। तो सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है। जैसे हमने दो बातें पढ़ी थी सेंटेंस में कि फर्स्ट तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेकंड क्या होता है कि उसमें कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीन्स होता है उसका। तो फ्रेज में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है फ्रेज में भी, बट इसमें ओनली सेंस होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है बट ये नहीं कि इसमें कंप्लीट सेंस होता है। जैसे फ्रेज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल ए फ्रेज। इट मीन्स कि ऐसे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं देते, मतलब सेंस होता है उनका बट कंप्लीट नहीं होता, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और सेंटेंस में और फ्रेज में क्या डिफरेंस है वो आप देखोगे। एग्जांपल में देखो, विद ए स्पून, बट इसका मीन्स निकल रहा है विद ए स्पून, बट पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है। लास्ट वीक, ब्राइट सन, ये सारे क्या है, फ्रेज के एग्जांपल है। मतलब सेंटेंस और फ्रेज में इतना ही डिफरेंस है कि दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट सेंटेंस जो है पूरा वो क्या है कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है, और इसमें सेंस तो होता है बट कंप्लीट नहीं होता, कि मींस जरूर निकलता है। अब बात करते हैं फ्रेज के फीचर्स की। फर्स्ट है, ए फ्रेज मस्ट मेक सम सेंस और मस्ट एक्सप्रेस सम मीनिंग, मतलब कुछ सेंस देता है या कुछ मीनिंग्स देता है जिसके जो भी वर्ड्स होते हैं फ्रेज के। सेकंड है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ, मतलब कि ये क्या है, पार्ट ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं बट उसमें क्या है कि कंप्लीट सेंस नहीं देता। सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है उसमें, बट ये सेंटेंस का फ्रेज क्या है, सेंटेंस का ही पार्ट है जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता बट सेंस देता है। थर्ड हम बात कर रहे हैं, ए फ्रेज में और मे नॉट कंटेन ए वर्ब। तो हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि उसमें वर्ब होती है, और इसमें ये क्या कह रहा है, फ्रेज में ये है, हो भी सकता है वर्ब और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। अब बात करते हैं नॉट ए फ्रेज, ऐसे वर्ड्स जो फ्रेज नहीं हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट मेक एनी सेंस आर नॉट फ्रेजेस, जिनका कोई मीन्स नहीं निकलता, मतलब यूज़ तो किए जाते हैं बट उनका कोई मीन्स नहीं निकलता। फ्रेज में क्या है, मीन्स निकलता है, सेंस होना ज़रूरी है। जैसे शी इज़ ए, तो ये जो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका कोई मीन्स नहीं है जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करते। सेकंड है फॉर द, थर्ड है एंड दे, तो इस टाइप के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मीन्स नहीं निकलता वो नॉट ए फ्रेज में आते हैं। अब फ्रेज और सेंटेंस को मैंने आपको डिफाइन किया अलग अलग, दो बातें हैं, दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट उसमें कंप्लीट सेंस होता है, इसमें सेंस होता है बट कंप्लीट नहीं होता। सेकंड थिंग ये है कि इसके जो फीचर्स हैं उसमें हमने ये बात की है, ए फ्रेज मस्ट मेक सम सेंस और मस्ट एक्सप्रेस सम मीनिंग, और सेकंड ये बात कर रहे हैं कि वर्ब के बारे में कि उसमें वर्ब कंपलसरी है, सेंटेंस में वर्ब होती है बट इसमें क्या है, फ्रेज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये होते हैं फ्रेज। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पार्ट और टाइप्स में क्या डिफरेंस है। सेंटेंस के टाइप आपने पढ़े हैं और पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अब आप ये मतलब कन्फ्यूज़न में ना हो इसके लिए मैं आपको क्या है बता रही हूँ, पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे सेंटेंस है तो उसके अलग अलग हिस्से जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, और टाइप क्या है, पूरा सेंटेंस है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मतलब किस टाइप का सेंटेंस है वो पूरा सेंटेंस, तो उसको बोलते हैं टाइप। और पार्ट्स क्या है, अलग अलग हिस्से, मतलब ये कौन सा हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सब पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट होता है किसी भी काम को करने वाला, मतलब जो करता है, जो कर रहा है किसी काम को, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट। पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की क्या मतलब फीचर्स होती है वो है, फर्स्ट देखिए, सब्जेक्ट इज मोस्टली ए नाउन और ए प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है, मोस्टली क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सेकंड थिंग, द सब्जेक्ट मे बी यूज्ड विद और विदाउट
अदर वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड में हो सेंटेंस, और हो सकता है दो तीन वर्ड्स में हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ आगे वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है, एक ही होता है, एक नहीं होता, इसमें कितने भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए ये मतलब है नहीं कि एक वर्ड को सब्जेक्ट बोलेंगे या दो तीन वर्ड हो गए इनको सब्जेक्ट बोलेंगे, एक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, द इंडियन टीम वॉन द टूर्नामेंट, तो ये क्या है, द इंडियन टीम, किसकी बात हो रही है, इंडियन टीम की बात हो रही है, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखोगे, मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, कि एक दूसरा तरीका ये भी है कि सब्जेक्ट को आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से पहले जो आता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी होती है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो उनसे पहले जो आते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। और सेकेंड थिंग, मैन वर्ब कौन सी होती है, जो हम काम कर रहे हैं, जैसे वोन है, तो ये क्या है, मैन वर्ब है। यानी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से जो पहले आता है उसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल था द इंडियन टीम वॉन द टूर्नामेंट, तो इसमें मैन वर्ब है वॉन, इससे पहले जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे क्या आएंगे, सब्जेक्ट में आएंगे। और सेकंड क्या है, माय फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रीडिकेट की, तो अब बात करते हैं प्रीडिकेट्स की। प्रीडिकेट्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में जो बताते हैं। प्रीडिकेट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज द प्रीडिकेट। प्रीडिकेट्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बारे में ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं। जैसे उसी का एग्जाम्पल दिया था जो मैंने सब्जेक्ट का दिया था, उसी के साथ प्रीडिकेट का दे रही हूँ एग्जाम्पल। द इंडियन टीम, ये हमारा सब्जेक्ट था, तो लास्ट जो वर्ड है वॉन द टूर्नामेंट, ये क्या है, प्रीडिकेट्स है। इसमें दो बातें हमें ध्यान ये रखनी है कि एक तो जो वर्ब है वो प्रीडिकेट में आएगी, और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ वन वर्ड, बोथ मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड का हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वन वर्ड हो। और वर्ब जो है वो प्रीडिकेट के हिस्से में आएगी, और जो वर्ब से पहले जितना भी पार्ट है वो किस में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। फर्स्ट है द प्रीडिकेट टेल्स अबाउट और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। प्रीडिकेट क्या है, किसको डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड है इट हैज़ वर्ब विद और विदाउट अदर वर्ड, ये वर्ब रखता है बट हो सकता है इसके साथ और वर्ड्स भी हो या ना हो, दोनों ही बातें हैं। जैसे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में बात कर रही हैं, सेंटेंस को मैंने अलग अलग किया है, सब्जेक्ट बेबीज और प्रीडिकेट क्या है, क्राई। सेकंड है द लाइट्स आर ऑन, तो लाइट्स, द लाइट्स क्या है, सब्जेक्ट है, और आर क्या है, इसमें वर्ब है, कौन से हिस्से में आई है, प्रीडिकेट के हिस्से में आई है। और अदर एग्जाम्पल है द मंकी एट ए बनाना, तो ये क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले जितना भी हिस्सा है वो किस में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, और वर्ब किस में आएगी, प्रीडिकेट में आएगी, उसके साथ जितने भी वर्ड्स हैं वो प्रीडिकेट में आएंगे। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके टॉपिक सेंटेंस है, सेंटेंस के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, जितने भी हैं फर्स्ट जो चैप्टर में हैं, उनको आपको एक्सरसाइज कम्प्लीट करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थैंक यू।